Assalamu alaikum. The name of our course is Discrete Structures. The recommended books of this course are Discrete Mathematics and Its Applications by Kenneth H. Rosen. And the second one is Discrete Mathematics by Richard Johnson Bo. So we have Discrete Structures. Define of discrete structure. Definition of discrete structure is discrete structures or discrete mathematics is the study of mathematical structures that are fundamentally discrete rather than continuous. ये discrete structures हमारे पास ऐसी values होती हैं जो हमारे पास discrete values होती हैं. Continuous value नहीं होती जिसमें discrete value. Just like discrete numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to so on इस तरह करके जो numbers होते हैं वो हमारे पास discrete structure या discrete numbers कहलाते हैं. In contrast to real numbers that have the property of varying smoothly, the object studies in discrete mathematics such as integrals, graphs, and statements in logic do not vary smoothly in this way, but have distinct separated values. ये हमारे पास smooth values नहीं होती, separated values होती है, distinct values होती है. तो इस discrete structure में हम जितने भी discrete values होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. Just like this, for examples, example के तौर पे, the number of students in your class is discrete. जो आपकी class में number of students हैं, वो discrete हैं. 10 है, 20 है, 30 है, जितने भी हैं, तो वो discrete structures में discrete values में आते हैं. Height of the students in your class is not discrete. जो height of students होगी, वो students और students vary करती रहेंगे. तो वो discrete नहीं होगी, वो जो होगी different होगी. हर student की height दूसरे के student के लिहाज से different होगी. लेकिन number of students same ही होंगे, कि जितने आपके पास class में students हैं, वो एक particular values होगी. Similarly, the number of computers in the computer lab is discrete. अब computer labs में जितने computers होंगे, computer की तादाद कितनी है, 10 है, 15 है, जितने होंगे वो discrete होंगी. The temperature of Lahore is not discrete. अब जो temperature है ना किसी भी place का, किसी भी city का, वो time to time change होता रहता है, तो वो discrete नहीं होता. वो जो होता है not discrete, वो हमारे पास different आता रहता है. So, तो इस तरह की और examples आप भी search out करें, कौन सी values discrete है, कौन सी discrete नहीं है. Just like this, मैं आपको एक और example देता हूँ. Watch, जो clock है, घड़ी है, watch. तो जो clock, जो wall clock होती है, तो जो सुइयों वाली घड़ी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास analog होती है. उसमें हमारे वो discrete values discrete नहीं होती. वो उसकी सुइयां कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं. तो वो मूवमेंट जो है ना वो कंटिन्यूअस होगी, डिस्क्रीट नहीं होगी. इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे जो है जो डिजिट्स वाली घड़ी होती है ना, वो डिस्क्रीट वैल्यूज शो करती हैं, वो वैल्यूज को शो करती है. तो वो डिस्क्रीट वॉच होगी जिसमें हमारे पास नंबर फॉर्म में जो वैल्यूज होती है ना. जस्ट लाइक दिस, आपके जो मस्जिद में फजर की नमाज का वक्त लिखा होता है, जोहर की नमाज कब होनी है, असर की, मगरिब की और ईशा की, सारी नमाजों का वक्त लिखा होता है. सूरज कितने बजे तलू होगा और कितने बजे ग्रूब, वो सारी चीजें जो है ना एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें दी होती है, वैल्यू फॉर्म में. तो वो जो होती है वैल्यूज फॉर्म, वो डिस्क्रीट होती है. वो जो वॉच जो शो कर रही है ना, तो वो डिस्क्रीट वॉच हम कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह और भी एग्जाम्पल्स आप सर्च आउट करें कि कौन से जो वैल्यूज होंगी, कौन सी जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट है और कौन सा डिस्क्रीट नहीं है. सो वी हैव पर्पस. तो पर्पस ऑफ दिस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, क्या पर्पस है इसको सब्जेक्ट को स्टडी करने का, पढ़ने का. फर्स्ट है जनरली लॉजिक मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. इसमें जो है ना हमारे पास जो लॉजिक्स है वो हम बनाते हैं कि ये आया प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कोर्स पढ़ना बहुत कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंप्यूटर साइंसेज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर के लिए ये बेटर अंडरस्टैंडिंग
शो करता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बताता है कि किस तरह हमने डिजिटल कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करना है। डिजिटल मीन्स डिस्क्रीट, एनालॉग मीन्स कंटिन्यूस। जो डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट होता है, एनालॉग मीन कंटिन्यूस। अभी मैंने एग्जांपल भी दी है क्लॉक की, घड़ी की, कि उसमें किस तरह डिस्क्रीट होते हैं, कौन से एनालॉग होती है, तो इस तरह आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम स्टेटमेंट्स आर येस एंड नो, सम आर ट्रू एंड फॉल्स, एंड सम आर वन एंड जीरो। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट। ये सारी वैल्यूज जो होती है ना, ये येस नो वन जीरो ट्रू और फॉल्स, वन जीरो बाइनरी ऑपरेशंस को शो करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज वाले बाइनरी ऑपरेशंस को करते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं, तो किस तरह। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वैल्यूज, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आती हैं। वन इज, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में ये हमारे पास अगर डाटा होता है, डाटा टू टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है डाटा, जो क्वालिटेटिव वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसको जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास वो फॉर्म को डिस्क्राइब करता है। जस्ट लाइक दिस, स्टैटिस्टिक इज सो मच फन, ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक सो मच फन, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टैटिस्टिक जो है ना बहुत फन, मच फन है। तो इस तरह की जस्ट क्वालिटी को डिस्क्राइब करना होता है। जो क्वांटिटेटिव होती है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जस्ट लाइक दिस 3, इधर एग्जांपल दी हुई है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट जो होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 जितने डिजिट्स होंगे तो वो हमारे पास डिस्क्रीट में आएंगे। लेकिन कंटिन्यूस में हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जो स्टॉप नहीं होती, जिस तरह 2.718281 अप टू सो ऑन, ये चलती रहती है। ये वैल्यू पी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारे पास चलती रहती है। जस्ट लाइक 5, 3.141528, तो वो वाली वैल्यू भी अप टू सो ऑन चलती रहती है, वो भी कंटिन्यूस वैल्यू है। तो इस तरह की डिफरेंट वैल्यू वो कंटिन्यूस वैल्यू कहलाती है, जो चलती रहती है। जो स्पेसिफिक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होती है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। If you have any problem, any question about this lecture, you will contact me. You will comment me. Wish you good luck. Take care. Allah Hafiz.